फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मा का गला था बहुत ज़्यादा ख़राब, तो आज मैं उनके लिए बेस्ट रेमेडी ट्राई करने वाली हूँ। मतलब ये ट्राई नहीं करी, मैंने पहले ही बनाई थी, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मेरी बहन का भी गला ख़राब था, तो उसके लिए मैंने ट्राई की थी, बहुत बेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा था कैसा नहीं था। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, छोटी सी रेमेडी है, तुरंत हो जाएगी। तो आपने वीडियो से जुड़े रहना है, और जो मेरे चैनल पर न्यू है उसने चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ, यहाँ पर मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं फ्लेम ऑन करके, अच्छा जी, ये मैंने पतीले के अंदर लिया है 1.5 कप पानी, क्योंकि 1.5 कप पानी लिया है क्योंकि ये जब बॉयल हो जाएगा ना तो ये कम हो जाएगा। तो और यहाँ पर मैं ले रही हूँ दालचीनी के कुछ टुकड़े, अदरक और हनी। ठीक है, अभी मैं जल्दी से काट देती हूँ हनी सॉरी अदरक। बारीक बारीक काटना है, थोड़ा सा काटना है, मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा ओवर हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बेस्ट है, जिनका गला ख़राब है वो बहुत जल्दी ठीक कर देता है, ये ज़रूर ट्राई करना है। ये ना हार्ड है बहुत, मेरे पास एक दूसरी छुरी है, इससे ट्राई करने वाली हूँ अभी। और पानी जो है वैसा का वैसा ही पड़ा है, ये बहुत हार्ड है, इसे करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि पानी थोड़ा सा जब बॉयल हो जाए, जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा उबल गया है, तो इसमें डालना है अदरक, अदरक डालना है और ये डालना है दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, अब इसे इतना उबालना है, इतना उबालना है। अच्छा, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये उबल रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना भूल गई थी कि ये मुझसे दालचीनी ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप लोग एक कप बना रहे हैं तो आपने एक टुकड़ा लेना है दालचीनी का। और यहाँ पर अभी मैं इसके अंदर हनी भी ऐड करूँगी, बिल्कुल प्योर हनी डालना है, कोई कॉपी मतलब कुछ चेंज नहीं डालना, बिल्कुल प्योर हनी डालना है। तो जी, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने गैस ऑफ कर दी है क्योंकि बॉयल हो चुका है। और अभी मैं इसे डालूँगी कप में, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने कभी इतना हॉट काम नहीं किया, इतना गर्म, देख सकते हैं धुएँ जा रहे हैं इससे। अच्छे से छान के डालना है, ऐसे ना आप लोग डायरेक्ट चीज़ों के साथ ही डाल दें। ये देखें कितना बच गया है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हो गया, हम लोगों ने एक कप से ज़्यादा डाला, एक कप से मुझसे ज़्यादा हो गया। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपसे ज़्यादा या कम हो तो आपने इसका ध्यान रखना है, कैसा ना ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, मैं इसे कम करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये हमारा कावा जो है बिल्कुल तैयार है, और अभी मैं इसे जा रही हूँ, इसके अंदर मैं डालूँगी हनी, और आप लोग के साथ साथ जा रही हूँ। मुझे भी डर लग रहा है ये गिर ना जाए, क्योंकि ये फुल भरा हुआ कप है, आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ। मम्मी कटोरा हटाएं, कटोरा हटाएं, वही अल्लाह। अभी मैं इसके अंदर डालूँगी हनी, एक मिनट। तो गाइस, ये देख सकते हैं मैं हनी ले आई हूँ। अभी मैं इसके अंदर ये छोटा वाला जो आपको स्पून नज़र आ रहा है, ये मैं इसके अंदर डालूँगी एक पूरा, 1.5 टीस्पून डालना है। ये देखिए थोड़ा सा और, अच्छा तो जो कम डालना चाहता है तो वो कम भी डाल सकता है। ठीक है, वैसे ही तक मेरी आज की छोटी मोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी कि किस तरह आप लोग डाल सकते हैं हनी, और जो कम मीठा खाता है वो कम भी डाल सकता है हनी, लेकिन हनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर डालनी है, कम भी आप लोग डाल सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।